हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी उमनिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेक जो कि रिलेटेड है आर्निका मोंटाना से। आर्निका मोंटाना को हम लोग याद करेंगे हैना मोंटाना से। हैना मोंटाना जो थी एक पॉप स्टार थी, मतलब कार्टून में थी वो पॉप स्टार टाइप की, उससे जो कि सिंगर भी थी, ठीक है। तो वो क्या, इससे हम लोग का ट्रिक क्या होगा कि हैना मोंटाना जो है वो इंडिया आती है किसी के संगीत में लाइव शो करने के लिए, ताकि वो इंडिया में अपना बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेशन छोड़ के जा सके, ताकि वो आगे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट कर सके, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। नर्वस वुमेन, सैंग्विन प्लेथोरिक पर्सन, लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस। तो हम लोग का सबसे पहले क्या, बहुत ज़्यादा वो नर्वस थी बिकॉज उसको किसी के संगीत में उसको लाइव शो करना था, और जिसके कारण उसका क्या, वो सर वेरी रेड फेस। अमेरिकन थी तो वेरी रेड फेस तो होगा ही, ठीक है। और क्या, स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन लॉन्ग इम्प्रेशन बाय इवन स्लाइटेस्ट मैकेनिकल इंजरी। लॉन्ग इम्प्रेशन मतलब उसको बहुत अपना छाप छोड़ के जाना था यहाँ से, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ के जाना था। अब क्या, मेंटल जनरल में आ जाएगा उसका। वो जैसे ही वो स्टेज में जाने वाली थी, वैसे ही वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, ठीक है। मतलब डर से ही उसको चक्कर आ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जब उससे पब्लिक पूछता है क्या हुआ क्या हुआ, तो एकदम सही सही आंसर देती है ये चीज़ है कि हाँ मैं हैना मोंटाना हूँ, मैं अमेरिका से आई हूँ यहाँ पे कॉन्सर्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ सही सही आंसर देती है। बट बैप्टिशा को तो हम लोग को पता है वो आंसर देते देते ही सो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या, जब उससे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर बोलती नहीं नहीं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग का मेंटल याद कैसे कर लेंगे, अनकॉन्शियस मैंने स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस। जनरल हम लोग कैसे याद करेंगे, फिजिकल जनरल याद करने का ट्रिक है कि वो क्या करती है, वो इतना ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि स्टेज में बहुत गंदा गाती है, जिससे क्या होता है उसको पब्लिक बहुत मारता पीटता है। मतलब हाँ, ऐसा ही मान लीजिए कि बहुत गंदा गंदा गाती है तो पब्लिक उसको मारता पीटता है, अंडा फेंक के मार देता है, ऐसा टाइप का इमेजिन कीजिए वो, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, सोर उसका बॉडी फिर कैसा हो जाएगा, सोर लेम ब्रूज फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज इफ बीटन, ठीक है। अब मारता है तो क्या, स्किन में भी तो स्किन मतलब मसल्स में भी तो ब्राउनिश डिसकलरेशन हो जाता है, तो क्या ट्रॉमेटिक अफेक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है। अब इस इंसिडेंट के कारण क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिस तरह मार मार खाई है तो ऑफकोर्स दर्द तो करेगा ही, तो क्या हो जाता है, कैन नॉट बियर पेन, इतना ज़्यादा उसको पेन होता है एंड उसका पूरा बॉडी ओवर सेंसिटिव हो जाता है, मीन्स अब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। और उसके बाद क्या, अब वो हो गया जितना कुछ भी हो, अब सोचती कि छोड़ो अब जाके आराम से सोएंगे हम कम से कम थोड़ा सा, ठीक है। तो सोचती कि जाके आराम करेंगे, बट एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू बी हार्ड। ऑफकोर्स वो अमेरिका से आई है तो उसको इतना कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट तो मिलेगा नहीं, वहाँ पे कितना सॉफ्ट सॉफ्ट बेड होता होगा, यहाँ पे उसको हार्ड हार्ड, और खासकर साथ शादी कर आई है तो उसको और ज़्यादा गद्दा उद्दा उतना सॉफ्ट नहीं मिला, तो इसीलिए जिस भी गद्दा में वो सोने जा रही है उसको हार्ड लग रहा है। तो एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड, ठीक है। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ इट एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सॉफ्ट स्पॉट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें और एक ट्रिक क्या था कि बैप्टिशिया हम लोग ऐसा हमेशा बाप बाप करके ट्रिक करते हैं, तो बाप को अगर पारो के बारे में पता चलेगा कि आपका पारो से चक्कर है, तो वो आपको इतना सोटेगा कि आपका पार्ट ही आपको बहुत ज़्यादा सोर लगेगा। तो इससे क्या ट्रिक बनता है, द पार्ट रेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज, ठीक है। हेड को याद करते हैं, ठीक है। हेड याद करने का क्या ट्रिक है कि जब वो इतना मार खाई थी, उसके बाद उसको बेड भी सॉफ्ट नहीं मिल रहा था कहीं सोने के लिए, बट अल्टीमेटली जैसे तैसे वो करके सोती है, फिर वो जैसे ही सुबह उठती है, जब वो सोई रहती है, तो उसका पूरा सर जो होता है पूरा फूल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, जैसे कि पाम मूवी में था ना वैसे ही, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हाइड्रोसेफेलस हो जाता है, और जैसे ही उसके सामने से एक बच्चा गुजरता है वो देख के डर ही जाता है और पूरा जोर से चिल्लाने लगता है, ठीक है। तो क्या, बच्चा का पूरा पसीना छूट जाता है डर से कि इसका क्या, हैना मोंटाना का इतना बड़ा सर हो गया, ठीक है। तो डेडली कोल्डनेस इन द फोरहेड इन द चिल्ड्रन। और इसका रीज़न क्या पता चला कि वो हैना मोंटाना का कैसे मतलब इतना बड़ा सर हो गया था, क्यों, उसका मैनिंजाइटिस हो गया था, मीन्स क्या इन्फ्लामेशन हो गया था आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरी, जो कि ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद हुआ था ना, ऑफकोर्स सब उसको मारा पीटा था इसीलिए तो उसका सब कुछ हुआ ना। अब क्या, यही आर्निका जो है वो हेल्प करता है, वो जो उसका फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा।
उसके बाद उसको इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इसका सर फूल गया, तो बहुत ज़्यादा रोती है, तो उसको क्या हो जाता है कंजक्टिवाइल, मतलब इतना ज़्यादा रोती है कि उसका पूरा आँख रेड हो जाता है। रेड हो जाता है मीन्स क्या, कंजक्टिव आई में क्या होता है, इतना वो रोती है, मतलब इतना कुछ उसको दर्द उर्द होता है, तो इतना रोती है कि उसको क्या हो जाता है, उसका आँख पूरा रेड हो जाता है। तो क्या कंजक्टिवाइवल और रेटिनल हेमोरेज उस विथ एक्स्ट्रा वेजेशन फ्रॉम द इंजरी और द कफ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं जी आई। जी आई में ऑफकोर्स वो अमेरिका की है, तो वो लोग को हमेशा बॉयल फूड ब्रेड पिज्ज़ा यही सब खाने का आदत है, वो लोग उतना स्पाइसी फूड डालने का आदत नहीं है। बट जब शादी कराती है तो इंडियन फूड ही मिला उसको, तो सब कुछ खा ली, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो क्या हो गया उसको, बेल्चिंग एंड इरक्टेशन आ रहा था, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा फॉल और प्यूट्रिड था और लाइक रोटेन एग था। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जब वो गंदा गा रही थी तो पब्लिक उसको अंडा फेंक मारा था, तो एक दो अंडा वो खा भी ली थी, मींस उसको लंच में उसको एग नहीं दिया गया था, स्टिल वो जब डकार मार रही थी वो एग जैसा मार रही थी, तब वो रियलाइज की जब वो गंदा गा रही थी ना, तो और गंदा गा रही थी, कुछ लोगों ने जो उसको एग फेंका था उसने वो एग खा लिया था, जिसके कारण उसको एग एग वाला डकार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, अब उसको इतना ज़्यादा स्पाइसी और ये सब खाने के कारण उसको डिसेंट्री होने लगता है। डिसेंट्री मीन्स क्या, बहुत ज़्यादा लिक्विड लॉस हो रहा है उसको, तो इतना ज़्यादा लिक्विड लॉस हो रहा था कि बॉडी में लिक्विड बचा ही नहीं, तो उसका यूरिन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो डिसेंट्री विथ इस्चूरिया। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इतना कुछ उसको स्पाइसी खाने के बाद अच्छा ही नहीं लग रहा, तो इसीलिए क्या, वो फ्रूट रूट में ही रहती है। तो फ्रूट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूटलेस अर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, फ्रूटलेस अर्जिंग, अब वो ठीक से कुछ खा ही नहीं पा रही है, फ्रूट्स में ही है, तो अब क्या हो जाएगा, उसका लॉन्ग इंटरवल हो जाएगा बिटवीन द स्टूल, बिकॉज वो सही से खा ही नहीं पा रही है। ठीक है, एक तो उसको डिसेंट्री हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब फ्रूट रूट खा रही थी उसका स्टूल भी बहुत देर देर के बाद हो रहा था, अब उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन भी कैसा होगा कि रेक्टम पूरा फुल हो जाएगा फीसेस से, और ये रिबन लाइक होगा, जैसे रिबन मान लीजिए, ऐसा भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हैना मोंटाना को इंडिया में बुलाया गया था किसी चीज़ का इनोग्रेशन करने के लिए, जिसमें उसको फीता काटने को बोला कि मैम आपको फीता काटना होगा यहाँ पे आके, तो क्या हुआ रिबन लाइक, और रिबन लाइक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आर्निका में ही दिया हुआ है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आर्निका को हम लोग को ऐसा पता है कि वो क्या इंजरी मेडिसिन है, तो फीमेल में इंजरी किस हिसाब से होगा, ऑफकोर्स लेबर के टाइम में इंजरी होता है, तो क्या होगा सोरनेस ऑफ द पार्ट आफ्टर लेबर, मीन्स लेबर के पास उस पार्ट में अगर सोरनेस है तो हम लोग आर्निका देते हैं, और हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि पोस्टपार्टम मीन्स आफ्टर लेबर अगर कुछ हेमरेज होने का चांसेस हो तो उसको बचाएगा, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उसमें बचाएगा। ठीक है, ये हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट क्या, आफ्टर लेबर अगर उस लेडी का अगर यूरिन ठीक से नहीं हो पा रहा, मीन्स रिटेंशन और द इनकंटिन्यूस ऑफ द यूरिन, मीन्स अगर यूरिन नहीं हो रहा है तब पर भी देंगे, और हम लोग नीचे पढ़ेंगे जब इनवॉलेंट्री यूरिन या फीसेस हो रहा है तो उसमें भी देते हैं, मीन्स नहीं होगा तब पर भी देंगे, होगा तब पर भी देंगे। अब हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ याद करने का ट्रिक क्या है, कि गाउटी और रोमैटिक, मीन्स गाउटी और रोमैटिक अफेक्शन में देंगे, गाउटी और रोमैटिक हम सब क्या निकालेंगे, हम घर, मीन्स हैना मोंटाना जब घर में रह रही थी इंडिया में, कि जब वो जिसके घर में संगीत गाने के लिए आई थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आसपास चलते हुए भी कोई उसको मारे पीटे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने इतना गंदा परफॉर्मेंस दिया था, तो घर में क्या हो जाएगा, गाउटी एंड रोमैटिज्म विथ ग्रेट फियर ऑफ बींग टच्ड और स्टक बाय अ पर्सन कमिंग नियर हिम। ठीक है, उसको डर लगा रहता है कि कोई भी आके उसको अगेन पीट ना दे, मार ना दे, इसीलिए वो क्या होता है एकदम पूरा सीधा नहीं चलती, एकदम छुप छुप के सबसे बच बच के चलने की कोशिश करती है, इसलिए कैन नॉट वॉक इरेक्ट और अकाउंट ऑफ ब्रूज शॉर्ट और फीलिंग ऑन द पेल्विक रीजन, मीन्स वो एकदम इसको देखिए, इमेजिन कीजिए, एकदम पूरा खड़े होकर नहीं चलती, एकदम दब दब के चलती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ब्रूज फीलिंग होता है अपने पेल्विक रीजन में। ठीक है, उसके बाद क्या, हम लोग नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का कोई ट्रिक नहीं है, बस याद करने का यही है कि हम लोग ये तो जानते हैं कि इसको तीन चीज़ से बस याद करना है, कि एक तो मैकेनिकल इंजरी होगा जिसमें उसको बहुत ज़्यादा स्टूपरनेस होगा, और इनवॉलेंट्री फेसेस और यूरिन स्टार्ट हो जाएगा, यही चीज़ फिर नीचे सेम वही चीज़ दिया है, एपोलेप्सी विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो कि क्या होता है इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल एंड सब ब्लैडर, कंट्रोल द हेमरेज एंड द एसिड एब्जॉर्प्शन, और फिर हाँ ये चीज़ है पैरालिसिस हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हैना मोंटाना को क्या हुआ था, कि जैसे उसको चोट लगा उसको पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस के कारण क्या, वो यहाँ पर छूट गई, वो वापस अपने कंट्री जा ही नहीं पाई, तो पैरालिसिस हो गया बेचारी को, वो कौन से साइड में हो गया, लेफ्ट साइडेड में, तो पैरालिसिस लेफ्ट साइड में, जैसे उसको पैरालिसिस वहाँ पर लेफ्ट आउट हो गई, मीन्स छूट गई। ठीक है, तो पैरालिसिस जो था आर्निका मोंटाना को कैसा था, लेफ्ट साइडेड था, और वो कैसा था उसको
पल्स कैसे हम लोग पल्स को हम लोग कैसे याद करना है, छूट गई इसका मतलब क्या, इंडिया में फंस गई, तो फंस गई को हम लोग कैसे याद करेंगे, फंस गई को कैसे याद करेंगे, एफ एस फंस गई, ठीक है, फंस गई, और उसके बाद क्या वो SMS करते हैं अपने कंट्री में, ठीक है, फंस गई, बेचारी को पैरालिसिस हो गया जिस कारण वो लेफ्ट आउट हो गई, उसके बाद क्या फंस गई जिसके कारण क्या उसको SMS करना पड़ा अपने कंट्री में, तो SMS को क्या हम लोग फंस गई में हम लोग क्या आ जाएगा, फुल स्ट्रांग, ठीक है, उसके बाद SMS से हम लोग का आ जाएगा स्टेरॉट सिंगिंग एंड मटरिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फीवर, फीवर को हम लोग कैसे याद करेंगे, फीवर को याद करने का ट्रिक है हीट ऑफ द अबर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द कोल्डनेस ऑफ द लोअर। ऑफकोर्स आर्निका मोंटाना के एक पॉप स्टार सिंगर थी, तो सिंगर लोग कूल बनने के लिए नहीं आते, पूरा एकदम उलन जैकेट पहन लेंगे और नीचे उसने मिनी स्कर्ट पहना हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका अपर बॉडी उसका हीट था, कोल्ड, लोअर बॉडी उसका कोल्ड था, या फिर द फेस ऑफ द हेड ऑफ द फेस अलोन इज हॉट एंड द बॉडी इज कूल, मीन्स फेस या फिर हेड उसका हॉट रहेगा और बॉडी उसका कूल ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इंजरी याद करेंगे, इंजरी का भी ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस हम लोग इसको दे सकते हैं कि क्या इंजरी, आर्निका इज मोर फेमस फॉर इंजरी मेडिसिन ना, तो उसका ट्रिक है ABCC2, ABCC2, ए से हम लोग का आ जाता है अगो, ए से हम लोग बोलेंगे अगो, ठीक है, क्या था, फॉर द बैड इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी इवन रिसीव्ड ईयर अगो, जो कि बहुत पहले भी अगर हुआ है कोई मैकेनिकल इंजरी हम लोग उसमें भी देंगे। बी से हो जाएगा ब्लंट, बी से हो जाएगा ब्लंट आफ्टर इंजरी विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हो गया। उसके बाद सी से हो जाएगा कंपाउंड फ्रैक्चर विथ प्रोफ्यूज सेपरेशन, मीन्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से अगर फ्रैक्चर हम लोग जैसे FMT में पढ़े थे, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कैसे फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड मतलब बहुत ज़्यादा टूटने फूटने वाला फ्रैक्चर होगा, तो ये कंपाउंड फ्रैक्चर होगा एंड उसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा सपोरेशन मीन्स पस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा होगा, उस टाइप में देते हैं। या फिर CC2 से हम लोग को क्या याद करना है, एक है कंकशन एंड एक है कंट्यूजन, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम शॉक और इंजरी, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको चोट लगता है बट कोई भी उसको लैसरेशन नहीं होता सॉफ्ट पार्ट का, और उसे क्या होता है प्रिवेंट करता है सेपरेशन, मीन्स जो भी अच्छा काम सोच सकता है कि मीन्स क्या पस फॉर्मेशन नहीं करने देगा, अगर मान लीजिए पस बन भी गया है तो उसको एब्जॉर्ब कराएगा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होने देगा, सेप्टिक कंडीशन से बचाता है, ये हो गया। उसके बाद स्किन को हम लोग कैसे याद करेंगे, टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर एक्सट्रीमली सोर, ठीक है, पेनफुल होगा, स्मॉल होगा, और जैसे हम लोग सल्फर में पढ़े कि एक के बाद वापस आता है वैसे ही होगा, ठीक है। अब मोडालिटीज आर्निका मोंटाना का मतलब आर्निका मोंटाना का हम लोग को क्या याद करना है, मोडालिटीज कैसे याद करना है, एग्रवेशन, वो बेचारी तो इंडिया में छूट गई है तो अब उसको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता, मीन्स वो घर में रह के एट रेस्ट और लाइंग डाउन उसको घर में नहीं पसंद है कि बस घर में लेटे रहे आराम करे या फिर दारू वारू पिए, उसको नहीं पसंद है, उसको पसंद है कि कोई उसको घुमाने ले जाए, मीन्स मोशन से हम लोग क्या घुमाने ले जाए, उसको कोई प्यार से हग करे, फ्रॉम कॉन्टैक्ट को हम लोग क्या याद कर सकते हैं, एमरुलेशन, उसको आराम कब लगता है, उसको एग्रवेशन हो जाता है अगर वो घर में बैठे रहेगी, अगर रेस्ट करेगी लेटी रहेगी या फिर वो दारू रू पिएगी तो उसको आराम नहीं लगता, उसको एग्रवेशन हो जाता है। आराम उसको कब लगता है, कोई अगर उसको कॉन्टैक्ट मीन्स उसको हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं कि कोई उसको गले लगाता है तो उसको अच्छा लगता है, या फिर कोई उसको घुमाने ले जाता है मोशन उसको तब अच्छा लगता है आर्निका को, ठीक है, हैना मोंटाना जो थी उसको तब अच्छा लगता है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बस ये सर ऐसे देख लेना है। इफ़ यू लाइक माई टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रिकी ओमनिया, एंड प्लीज़ स्टोरी में कोई भी सर पैर ना ढूंढे, बस उसको एज अ याद करने का कोशिश करें, बिकॉज मैंने खुद भी अपने क्लास टेस्ट में एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने एक स्टोरी वे में याद किया था तो वो मुझे तुरंत क्लिक कर गया था एग्जाम के टाइम में, बट जिसको मैंने बस ऐसे ही बार याद किया तो वो मुझे याद ही नहीं आ रहा था एग्जाम में कैसे लिखे क्या लिखे क्या पॉइंट छूटा, बट जिसको जैसे कि ऑरम मैट मैंने इस वीडियो में डाला हुआ था, ऑरम मैट आया था तो उसका मैंने एक एक पॉइंट लिखा, चाहे वो फीमेल सिम्टम्स था चाहे उसका मेंटल सिम्टम्स था, एक एक पॉइंट लिखा है, तो इसीलिए अगर आप जिनको भी अच्छा लगता है ट्रिक से याद करना तो मस्ट वॉच माई चैनल ट्रिकी ओमनिया। थैंक यू सो मच।